वेलकम टू चौधरी मोबाइल जोन पाक पतन। भाई नोकिया का एक मोबाइल आया डेड कंडीशन में, इसको चेक करते हैं। अभी स्प्लाई के साथ कनेक्ट किया, ये देखो बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई भी अंपेयर नहीं ले रहा, सेट बिल्कुल भी अंपेयर नहीं ले रहा। बोर्ड इसका था, ये ऐसी हालत में मेरे पास आया, इसकी एलसीडी भी उतारी हुई है सब। ये इसका मॉडल है, ये देखो TA1114। सबसे पहले इसके पावर की में वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी पावर की ओके है या इसमें कोई फॉल्ट है। अक्सर इससे भी फॉल्ट आ जाता है कि पावर की काम ना करें, लेकिन ये बिल्कुल ओके है। ये देखो दोनों पॉइंट बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद चलता है, ये देखो इसकी बोर्ड की कंडीशन ऐसी है, किसी ने पतरी उतारी थी, सेट वाटर डैमेज था शायद, ये पतरी उतारते हुए काफ़ी बोर्ड डैमेज कर दिया हुआ है ये काफ़ी सारा। इसको भी काफ़ी हीट दी हुई पावर, इसी को भी ये एलसीडी भी उतार दी थी, ये इसकी ओरिजिनल एलसीडी जो उतारी हुई है। कस्टमर कहता है कि इस पर ये न्यू एलसीडी भी लगा के चेक की है, और शॉपकीपर को भी दिखाया था, ये टर्मिनल भी चेंज किया इसका, लेकिन इसके बाद भी ये वोल्टेज नहीं ले रहा। ये देखो बैटरी टर्मिनल पर भी वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। ये अगर पावर आईसी को देखते हैं कि इसके वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, इधर तक करंट जा रहा है, ये इधर भी बीप दे रहा है बिल्कुल ओके, इधर भी वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखो ये इधर से कनेक्टेड है। ये देखो ये भी कनेक्टेड है, इधर से बिल्कुल बीप आ रही है। अभी इसको ये इधर चार्जिंग आईसी की तरफ से इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ये इधर तक भी कनेक्टेड है, चार्जिंग बिल्कुल ओके, ये इधर भी सारा कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है। सेट की कंडीशन आपके सामने काफ़ी खस्ता हाल में है। पहले सबसे पहले इसको वॉश करके चेक करेंगे। ये सारा देखो कितना अजीब तरीके से इसको निकाला हुआ है, कि इनको कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। ये देखो इधर से भी डैमेज है, ये भी रिपेयर किया हुआ है कैपेसिटर, ये भी डैमेज हो सकता है, लेकिन ये बीप दे रहा है। फ़िलहाल इसको साफ़ करते हैं तसल्ली से। ये देखो ये कुछ इधर से गिरा है, ये कैपेसिटर, ये देखो ये टूट भी गया। ब्रश लगाने से वॉश करने से ये देखो ये इधर से उखड़ गया। ये हालांकि हमने देखा था ये बिल्कुल बीप भी दे रहा था, इसमें नहीं है, ये गिरा पड़ा है। जो तो कफ्यूज़ है इस तरह जो जिससे ये करंट पास करता है कि पावर आईसी को, ये बिल्कुल टूट गया। ये मेरे हिसाब से ये वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ लगाने से, जैसे इस पर ये पावर बटन प्रेस करते थे ये आगे सप्लाई नहीं देता था, जबकि मीटर पर ये बिल्कुल ठीक था। सबसे पहले इसको डिटेक्ट करके देखते हैं, ये इसको डिटेक्ट किया, अब इसको पहले पावर सप्लाई पर चेक करेंगे, क्या है कि यही फॉल्ट था या इससे आगे कुछ चेक करना पड़ेगा। सेट को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यही कैपेसिटर है जिसके बैटरी टर्मिनल से पावर आईसी था किसने सप्लाई पहुंचानी है। ये एलसीडी लगाई, ये देखो अलहम्दुलिल्लाह सेट ऑन हो गया, जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में था, ये पूरा डिस्प्ले आ गया, सेट बिल्कुल ओके ऑन हो गया। सिर्फ वो कैपेसिटर ही डैमेज था वाटर डैमेज की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।